हाय एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सलमान फ्रॉम कूल सॉल्यूशन हैदराबाद। आज हम रिव्यू करेंगे तोशिबा का रियल इन्वर्टर 9 kg वॉशिंग मशीन। यह है इसका इंटरफेस जो आता है एक फिल्टर एंड डिटर्जेंट रैक। फर्स्ट है सॉफ्टनर एंड यह है डिटर्जेंट। आपके जितने कपड़े उतने हिसाब से कंफर्ट डालिए और डिटर्जेंट डालिए। जितना आपके कपड़े है, जितना आपका स्टोरेज है, उतना ही सर्फ डालिए। यह है फिल्टर, यहां था फिल्टर। फिल्टर क्लीनिंग करने का ये निकाल के ऐसा प्रेस करके ऐसा निकाल के क्लीनिंग करिए। ये नॉर्मल वाटर से क्लीन करके लगाते सो टाइम पे ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, इसको ये सेक्शन में प्रेस करके इसमें लगाइए। ये इसमें लगा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। यह है इंटरफेस, ये हो गया क्लोज। अब डेली बेसिस के लिए सिंपल मेथड बोल रहा हूँ। इसमें कपड़े डाल दिए आप, स्टोरेज जितना आपका है, कंफर्ट डाल दिए एंड डिटर्जेंट डाल दिए। इसमें डाल दिए के बाद ये लगा दीजिए, डोर लगा दीजिए। सिंपल मेथड जो सिटीजन्स के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट आता है मेन ऑन बटन, उसके बाद में वाटर लेवल सिलेक्शन 7x8 एंड स्टार्ट बटन। सिंपल मेथड है ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए यूजफुल रहता है। स्टार्ट बटन, वाटर लेवल सिलेक्शन 7x8 एंड स्टार्ट बटन, सिंपल मेथड है ये। उसके बाद आता है अपन की पॉइंट्स। फर्स्ट है ऑन ऑफ बटन, उसके बाद स्टार्ट एंड होल्ड, उसके बाद आता है ग्रेट वेव्स। ग्रेट वेव्स ये 4 ऑप्शंस में है। फर्स्ट आता है रेगुलर, उसके बाद जीन्स एंड ब्लैंकेट्स एंड हैवी वॉश। ये 4 ऑप्शंस ग्रेट वेव्स है। ये आता कॉजेस। कॉजेस में स्पीड है, डेलीकेट है, मेमोरी है, टब क्लीन है। अगर आपको ग्रेट वेव्स में चेंज करना है तो कॉजेस में प्रेस करिए। रेगुलर, जीन्स, ब्लैंकेट, हैवी वॉश एंड स्पीड। ये कॉजेस से चेंज करे तो आपको ये 4 ऑप्शन से ये ऑप्शन को आता है, लेफ्ट साइड के ऑप्शन को। फर्स्ट आता है रेगुलर, जो भी आपके डेली बेसिस के क्लॉथ्स रहते हैं वो रेगुलर पे डाल के क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आता है जीन्स। जीन्स का सेपरेट ऑप्शन है, सेपरेट ऑप्शन में आपको जीन्स ही डालिए। उसके बाद आता है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट आप जितना आपके पास स्टोरेज है, जितना सिंगल या डबल ब्लैंकेट्स है लाइट वेट के, वो डाल के क्लीन कर लीजिए। हैवी वॉश, हैवी वॉश में अगर थोड़े ज्यादा हैवी है तो डटी है बोले तो हैवी वॉश पे डाल के क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आता स्पीड। स्पीड है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम कम है आपको, वाटर कम लेता तो आप कपड़े भी कम ही डालिए। स्पीड में 1 या 2 जोड़े, 1 शर्ट शर्ट पैंट और 2 शर्ट्स, 2 ट्रैक पैंट्स, ऐसा 2 पेयर ही डालिए शर्ट पैंट। उसके बाद आता डेलीकेट। डेलीकेट यानी जो भी लेडीज के वर्किंग साड़ीज रहते हैं, स्टोन्स रहते हैं ना, डेलीकेट पे डाल के क्लीन करिए। उसके बाद आता मेमोरी। मेमोरी बोले तो फेवरेट मोड है ये, इसमें आप कुछ भी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्शन होकर रहता। उसके बाद आता है टब क्लीन। टब क्लीन एवरी 1 मंथ में नॉर्मली मशीन को ऑन करके छोड़ दीजिए टब क्लीन में। उसके बाद आता प्रोसेस। प्रोसेस में आपको फर्स्ट आता सोप, उसके बाद आता वॉश, उसके बाद आता रिंस, उसके बाद आता स्पिन। स्पिन ये 4 ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेट होकर रहते, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। ये इसमें ये 3 ऑप्शन में, ये 3 ऑप्शन कभी भी ऑन रहते। फर्स्ट सर्फ से वॉश करता, उसके बाद रिंस करता अच्छे पानी में 1 or 2 टाइम्स, उसके बाद में स्पिन करता, जो भी पानी रहता पूरा निकाल देता उसके बाद ये। उसके बाद आता प्रीसेट। प्रीसेट सेट, अगर आपको कहाँ भी बाहर जाने का है, रेगुलर पे लगा दिए, अगर आपको कहाँ भी बाहर जाने का है तो इसमें 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7, 24 hours तक रहता मैक्सिमम ये। अगर एक बार प्रेस हो गया बोले तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए 24 टाइम्स प्रेस करना है, फिर 0, वो डीएक्टिवेट हो जाता। उसको 1 hour प्रेस कर दिए, इसको सेट मारे तो जो भी प्रोग्राम आप एक्टिवेट करें सेट हो जाता इधर से। उसके बाद आता वाटर लेवल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आपके जितने क्लॉथ है उसके हिसाब से आप वाटर लेवल सिलेक्शन रखना चाहिए इसमें। अगर आपके पास 1 or 2 है तो 1x2 रखिए, या ना तो डबल पेयर है बोलो 3x4, या तो 5x6, या ना तो 7x8। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पानी जितना है उतना ही रखिए। उसके बाद आता चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक अगर स्टार्ट करे के बाद में ये 2 टाइम्स प्रेस करके रखे बोले तो आपको पूरा मशीन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता। अगर आप इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखे बोले तो अनलॉक हो जाता है। उसके बाद आता अगर इमरजेंसी में आपको पानी छोड़ने का है, आप रेगुलर पे लगा दीजिए 52 मिनट चल रहा, 10 मिनट्स हो गया। अगर आपको पानी छोड़ने का है इसमें मेन इमिडिएटली जाने का आपको वायर बोले तो इसको मेन बंद करिए, होल्ड का स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद में ऑफ कर दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, फिर ऑन करिए, फिर पूरा प्रोग्राम डीएक्टिवेट हो जाता। उसके बाद अंदर का जो भी पानी रहता है निकाल देने का है बोले तो ओनली स्पिन पे रखिए, स्टार्ट मार दीजिए, पूरा पानी चले जाता, आप कपड़े निकाल देगा, बाहर रख देगा चले।